हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स की जो कि हमसे डेली कन्वर्सेशन में हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला सेंटेंस है शी डोंट लाइक एप्पल्स। अब यहाँ पे डोंट यूज़ हुआ है। डोंट असल में कंट्रक्शन है डू नॉट की, और डज नॉट की कंट्रक्शन होती है डजंट। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें हमेशा सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज़ होता है और प्लूरल्स के साथ डोंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे शी जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सही सेंटेंस होना चाहिए था शी डजंट, यानी डज नॉट की कंट्रक्शन आएगी डजंट, शी डजंट लाइक एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू बारो मी आ पेन। इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमें लगता है कि उनका मीनिंग्स जो हैं उर्दू में सेम है, लेकिन असल में उनके मीनिंग सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जैसे बारो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि किसी से उधार लेना, यानी किसी से कोई चीज़ टेम्परेरी ले लेना। और इसके एक ऑपोजिट होता है लेंड। लेंड का मतलब होता है किसी से, किसी को कोई चीज़ दे देना टेम्परेरी, यानी कुछ टाइम के लिए किसी और को कोई चीज़ दे देना। अब यहाँ पे जैसे कि था कि कैन यू बारो मी आ पेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू लेंड मी आ पेन, कि क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू लेंड मी आ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ लेस फ्रेंड्स देन आई डू। अब यहाँ पे जो वर्ड लेस यूज़ हुआ है ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि जो लेस यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और जो इसके एक ऑपोजिट होता है फ्यू, फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स देन आई। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि लेस ऊपर था तो नीचे फ्यू क्यों नहीं आया, फ्यूअर क्यों आया है। तो फ्यूअर इसलिए आया है कि यहाँ पे क्योंकि देन यूज़ हो गया था, तो इसका मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी थी, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी थी, इस वजह से ही हैज़ फ्यूअर आया है। ही हैज़ क्योंकि फ्यूअर, फ्यू जो है वो एक एडजेक्टिव है और इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है फ्यू, देन इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट। तो यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी थी, तो हम क्या लगाएंगे, ही हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स देन आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सिंग्स गुड। गुड जो है हमेशा एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे क्योंकि एक वर्ब को एक्सप्लेन करना था, वर्ब सिंग्स को एक्सप्लेन करना था, इस वजह से हम कोई एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। वर्ब को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है वो एडवर्ब होता है, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई एडवर्ब यूज़ करना चाहिए था हमें। शी सिंग्स गुड की जगह पे आएगा शी सिंग्स वेल, और वेल जो है वो एक एडवर्ब होता है, शी सिंग्स वेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन नीड टू ब्रिंग देयर आईडी। यहाँ पे जो एवरीवन यूज़ हुआ है ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर जो प्रोनाउन्स या नाउन्स होते हैं उनके साथ हमें उनके जो वर्ब उनके साथ यूज़ होता है उनके साथ हमें एस का या ई एस का एक एडिशन करनी पड़ती है। तो एवरीवन नीड की जगह पे आएगा एवरीवन नीड्स, आंसर होगा एवरीवन नीड्स टू ब्रिंग देयर आईडी।